शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पापा, पापा, एक करोड़ मिल जाए तो चिल्लर गरीबों में बांट दो। नहीं बाबा, लक्ष्मी। कमाल है, तेरे सपने में लक्ष्मी आ रही है, मेरे सपने में सानिया। अच्छा, सपने में नहीं बाबा, लक्ष्मी जिंदा है। हाँ। हेलो। लक्ष्मी जिंदा है? हाँ बाबा। अपनी लक्ष्मी? हाँ बाबा, जिंदा है। वो मेले से बस लेके अपनी मौसी के यहाँ चली गई थी, वापस आ गई, नीचे सो रही है। मौसी के यहाँ? मौसी की लौकिया। हाँ। ओ तेरी, यहाँ इसकी इज्जत खटिया में पड़ी हुई है और तुम लोगों का कान नाक गला सूझ रहा है। दिमाग से काम लो। देखो बेटा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अगर लक्ष्मी जिंदा है तो फिर तुझे डॉक्टरी की पढ़ाई दोबारा से करनी पड़ेगी, सब खत्म। नहीं बाबा, पीएससी इन एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल से किया है। तो फिर बाबा? हाँ। देखिए, अब तक जो कुछ भी चलता आ रहा है ना, हाँ हाँ, वो आप ही की कृपा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या बाबा? हाँ। अब आप ही रास्ता दिखाइए। हाँ, मैं रास्ता दिखाऊं? घर तेरा है मनहूस, और रास्ता मैं दिखाऊं? अरे प्लीज। हाँ, धीरे धीरे, दीवारों के भिकान होते हैं। ये बता, लक्ष्मी को आते हुए तो किसी ने देखा नहीं था ना? नहीं बाबा, अगर देखा होता तो हंगामा नहीं हो जाता। करेक्ट। तो मैं लक्ष्मी को छुपा लेता हूँ, तो इंडिपेंडेंस डे की तरह उसके चौथे की तैयारी कर और चौथे की तैयारी कर। अरे बाबा, क्या बात कर रहे हैं, जिंदा आदमी का चौथा? ओहो, धीरे बोलो। उसका चौथा नहीं करोगे तो तुम्हारा पंजा छक्का सत्ता, वो भी ईंट का, सारे कार्ड एक साथ खुल जाएंगे और तुम जिंदगी का जुआ हार जाओगे। लकी हार जाओगे। नहीं पापा, ये एक जुआ तो जीतना है, आप बताओ क्या करना है। तो जो मैं कहता हूँ वो करो डार्लिंग। ये बताओ, लक्ष्मी अभी कहाँ है? नीचे कमरे पे सो रही है। हाय हाय हाय, सो रही है किसके साथ? बाबा, वो भाई 10 करोड़ है, पूरे 10 करोड़। पांच आपके, पांच मेरे। देखो बबुआ, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पिस्तौल हमारी, जान तुम्हारी। बाबू भाई, टाइम वेस्ट मत करो, गोवा पहुंचने के लिए गाड़ी कैसे मिलेगी ये सोचो। सोचना क्या है बे, बस लूटते हैं बस। कार लूटना तो यूं बाएं हाथ का खेल है, देखेगा, घबराना नहीं। देख साला अभी तुम, देख यार, देख, रोक भैया, रोक। ए बढ़िया, बाहर निकल, निकल बाहर, मुझे तेरी गाड़ी चाहिए, निकल। तेरा माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? तेरे को तमीज नहीं है एक औरत के साथ कैसा बिहेव करने का? तरीका? Idiot, stupid, get out! Get out! Idiot! कह रही कि बाहर जाओ। आंटी, आंटी प्लीज, हम दोनों को लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। आंटी प्लीज प्लीज, आई एम बेगिंग यू आंटी प्लीज। ओके, कम। कौन है तुम? ये है बाबा इच्छापूर्ति सेक्सी दास। हाँ, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? वशीकरण, तोड़ पूजा। वशीकरण? कैसा वशीकरण? भूतों ने तुम्हें अपने वश में करके ममता कुलकर्णी बनाकर एकदम दूर 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 कहीं दूर भेज दिया था। नहीं नहीं, भूतों ने नहीं, वो तो मैं इनसे नाराज होकर अपनी मासी के घर चली गई थी। नादान बालिका, भूतों ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, इसलिए तुम मौसी के पास चली गई। अरे बुद्धि तो मेरी भ्रष्ट हो गई थी, पता नहीं मैं क्यों इनको छोड़कर गई। कितने परेशान हुए होंगे बेचारे। बहुत परेशान, ना रोटी खाते थे ना अल्कोहल पीते थे, बस खराब हो। मैं बहुत परेशान था, मेरी तो जान ही निकल गई थी लक्ष्मी, फिर बस एक ही रास्ता दिखाई दिया, बाबा जी के चरणों में गिर गया और मैंने कहा बाबा जी मेरी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, सब कुछ ले लो, बस मेरी लक्ष्मी लौटा दो, मेरी लक्ष्मी लौटा दो। बाबा बोलो हाँ। हाँ। झूठ, तुमने ऐसा नहीं कहा होगा। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही बोला था। फिर बाबा जी ने उसका उपाय दिया, उन्होंने कहा कि वशीकरण जाप की महापूजा कराओ बच्चा, और देखो देखो बाबा जी का कमाल, देखो पूजा होने से पहले तुम वापस आ गए, पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चुप बे जॉनी लीवर, महापूजा नहीं कराएगा तो इस बार ये नहीं, तू कहीं दूर बॉलीवुड की सड़कों पर गिटार बजाएगा, टन 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 टन। नहीं नहीं नहीं, बाबा जी प्लीज, आप ऐसा ना कीजिए, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इन्हें कुछ ना कीजिए। पक्का? पक्का। पक्का ना? पक्का। तो ठीक है,
माँ पूजा होने तक तुम गायब हो जाओ, ऐसा पता भी ना चले किसी को कि तुम यहाँ आई थी। हाँ हाँ ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। बस इनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कहीं भी छुपने को कहेंगे मैं छुपूंगी। आप प्लीज मुझे छुपा लीजिए। छुपा लूं? छुपा लीजिए। छुपा लूं बाबा जी, छुपा लीजिए। पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव जी बाबा, इस फाइल को डिलीट करने की तैयारी करो जी बाबा। अभी हमारे कब्जे में है और तुम मीना कुमारी मुंह ढक लो ताकि लोग पहचानने ना पाए। दरवाजा खोलो जल्दी जी बाबा जी। सब ठीक है ना? नहीं, कोई नहीं है। दरवाजा बंद कर लो बेटा। हाँ, संभल कर बाबा जी। जाग देखो कहीं चाय वाला तो नहीं है नुक्कड़ पे। बाबा चाय पीनी है क्या? चाय नहीं पीनी, जाग देखो। जी बाबा जी बाबा। आओ मुंह ढक लो। मैं क्या कह रहा था? क्या लेकिन बाबा जा कहाँ रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। ओहो मुंह ढको। इस मौसम में बारिश देखो, तुम्हारे सपोर्ट में भगवान भी बारिश कर रहा है। हे भगवान। ओए तेरे घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं है? छत से शुशु कर रहा है, भाग यहाँ से, जा छत पे बैठ के शुशु करते हैं, यही सिखाए तुझे? कहाँ है तेरी मम्मी? घर में पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कैसे कैसे लोग? तुम तो मुंह ढको। ये लक्कीपुर है या फकीरपुर है? बच्चे शुशु कर रहे हैं, ऊपर से जा रहा, वो देखो आ गई। माफ करना बाबा, बच्चा है। माफ क्या करना, कपल है यहाँ घूम रहा है और आपका बच्चा ऊपर से शुशु कर रहा है। घर में टॉयलेट वॉयलेट है कि नहीं? पानी वानी आता है कि नहीं? पानी आता है कि नहीं? आता है। तुम चलो यहाँ। पापा कहाँ है? ऊपर ऊपर। लो पापा भी ऊपर गए, मजाक बना रखा है यहाँ पे। ओ तेरी लक्ष्मी चाची, लक्ष्मी चाची। ओहो तू पोस्टर जरूर बन जाएगा। पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव जी बाबा। वाह वापस चलो। अरे पापा वापस आ गए? आए नहीं कम वक्त आना पड़ा। दरवाजा बंद कर। पापा क्यों, क्या हुआ? कुछ भूत प्रेम चोपड़ा की तरह इस पिक्चर में आए, बच्चों को किस किया और उनके थ्रू तेरे बीवी पे सूसू किया। सेम सेम। हाँ पापा नहीं, सूसू तो इनके ऊपर किया था, मुझ पर तो सिर्फ पानी गिरा है। चुप बदतमीज स्वीटहार्ट। अरे इसके पाप को मैंने अपने ऊपर लिया, इसके चक्कर में आधा किलो सूसु पिया। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं भूत और प्रेत का जो ये मैच है, बांग्लादेश की तरह मैं भारत को हराऊंगा और तेरे पति को वर्ल्ड कप में कांस मेडल दिलाऊंगा। हाँ बाबा, मगर इसे छिपाएंगे कहाँ? एक जगह है ना बाबा। अरे पागल, तेरा घर भूतों से बचाने के लिए यही वो जगह है जहाँ मैं इसे छुपाऊंगा भूतनी के। जी बाबा। हाँ बाबा, इसको अंदर ले जाओ और साबुन के बट्टी की तरह कहीं छुपा दो ताकि ये मेल्ट हो जाए। जी बाबा। बाबा जी एक बिनती है। क्या, कपड़े उतार दूं? नहीं नहीं, मुझे कहीं ऐसी जगह छुपाइए जहाँ से मैं सारी पूजा देख सकूं। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव जी बाबा। इसको ऐसी जगह छुपाओ, ऐसी जगह छुपाओ जहाँ से ये पूजा तो देख ले लेकिन पूजा मरते दम तक इसको न देख पाए, प्लीज। जी बाबा। ना वेल बिहेव छोकरा हो, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त एकदम डर्टी डिस्गस्टिंग मैनरलेस ब्रूट है। हा? आप क्या बोल रही है भाई? आपकी तारीफ कर रही बाबू भाई। आंटी आगे भी हार्डवेयर की दुकान है तो प्लीज रोक देना। ये फावड़ा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? नाव चलाने चलोगी? नॉट नाव बाबू भाई, बाहर निकलो। बिजली बोलती रहती है बुढ़िया यार। थैंक यू आंटी, बाय, थैंक यू सो मच, जल्दी चलो बाबू भाई। खतर सेंट सेबेस्टियन गार्डन आ गया बाबू भाई। किधर डब्लू है, कहाँ? इसी गार्डन में है डब्लू, हमें ढूंढना पड़ेगा। आप वहां ढूंढिए, मैं याद ढूंढता हूँ। ओके ए डब्लू बोले तो उल्टा एम, एम बोले तो डब्लू है यहाँ कोई, निकल बाहर। डब्लू कहाँ है ये डब्लू यार? वहाँ होगा, कमान बमान। डब्लू है कहाँ है? डब्लू होना चाहिए। hmm.
ये तो सोले वाला है बे। डब्ल्यू डूना एक कबड्डी खेल रहा है। जॉक्स सॉरी आदि वो डब्ल्यू तो मिल नहीं रहा है तो एक काम करते हैं ना वी ढूंढते हैं ना। वी काय को ढूंढ रहे हैं हम लोग? वो क्या है ना डब्ल्यू से पहले वी आता है ना एस टी यू वी डब्ल्यू। ये कौन था? माली होगा। माली? शक्ल से तो डाकू महाकाली लगता है। वो डाकू महाकाली क्या तेल लगाने के लिए डब्ल्यू ढूंढा हमने को डब्ल्यू बड़ा सा डब्ल्यू। चल 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 अभी यार सो स्मार्ट। कल को दुनिया को जब पता चलेगा कि लक्ष्मी जिंदा है उसके फिल्म का पोस्टर अभी तक दुनिया के सामने से उतरा नहीं है तो तेरे सपनों के पोस्टर की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी लकी। देख बेटा उसके जिंदा होने का मतलब है कि तेरे सारे सपने तेरी आंखों के सामने चकनाचूर हो जाएंगे। हाथ दे बोल जो मैं कहूंगा वो करेगा। हाँ बाबा जी। तो जो भगवान न कर सका वो अब तू कर। क्या बाबा जी? ये जो हार्ड ड्राइव के हाथों में दूध का ग्लास है ये पॉइजन फ्लेवर है। ये उसको पिला दे वो डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंचेगी। स्वर्ग बाबा जी? बिल्कुल और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसके पापा को मैंने स्वर्ग में एसी में जगह दिलवाई थी। बोलो हाँ। हाँ। अरे ना बाबा जी वो मेरी पत्नी है उसे मैं जहर दे दूं? चुप बैठ। पत्नी 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 इडियट की तरह पत्नी के सामने दुम हिलाता रह जाएगा तो दुनिया में दुम हिलाता हुआ आया था दुम हिलाते हुए चला जाएगा। कमों के बारे में सोच। कैसे वो तुझसे दूर जाएगी जैसे हिंदुस्तान से सुख शांति। प्लीज जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लग के इधर देख। कल को जब वो एमपी आएगा 1 करोड़ लेकर के तो तुझे क्या देगा? घंटा बाबा जी का। इसलिए बेटा ये दूध पकड़ पकड़। चुपचाप लक्ष्मी के होठों से लगा और उसकी आत्मा को शांति दे। वैसे भी उसका चौथा हो चुका है मरे को मारने में कोई पाप नहीं है बेटा। जा बेटा और तू आ बेटा। डब्ल्यू मिला? डब्ल्यू नहीं मिला। तीन लोग मिले कुदाल फावड़ा लेके। क्या ये कौन बे? पवन अमित कौन बे? मानव। ओ शिट और अब ये कौन बे? नारी अंकल क्या कर रहे हैं? अबे अभी कौन था बे? याद ही है। अच्छा इतने सारे लोग लेकिन इनमें से डब्लू कौन बे? हेलो हम सबको पता है कि हम सब यही हैं इसलिए छिपने से कोई फायदा नहीं। सब लोग बाहर आ जाइए। आदि मानव पवन नारी अंकल प्लीज बाहर आ जाइए। ये माली तेरे साथ क्या कर रहा है? ये माली नहीं ये डाकू है। डाकू? आखिर तुम तीनों कमीने यहाँ पहुंच गए। तीन कमीने नहीं चार कमीने। तू भी तो है साथ में। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ रॉय बिल्कुल सही कह रहा है आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। आदि तू रॉय से लड़ मैं बमन से लड़ता हूँ। हम सबको पता है कि डब्ल्यू चाहे किसी को भी मिले कोई अकेला पैसे नहीं ले जा सकता। ले जा सकता है? नहीं नहीं। इसलिए भलाई इसी में है कि सब लोग मिलकर डब्ल्यू को ढूंढे और पैसे आपस में बांट ले। ये ठीक है। चलो डब्ल्यू को ढूंढते। लेकिन ये डब्ल्यू होगा कहाँ? अबे होगा यही कहीं। उसने कहा था बड़ा डब्ल्यू। अब हम लोग अकल के अंधे तो है नहीं कि बड़ा डब्ल्यू सामने हो और हमें दिखाई ना दे। एक्चुअली ही आल्सो वेरी स्मार्ट है। अरे तुम लोग यार टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। रॉय तुम लोग दोनों उस तरफ जाओ। बमन तुम लोग दोनों इस तरफ जाओ। तू चल मेरे साथ। आगे निकल आगे निकल। डब्ल्यू डब्ल्यू को ढूंढना है। डब्ल्यू ओह नो टिश्यू है तेरे पास? अब किसकी पहुंचेगा? कौवा तो कब का उड़ गया। मानव यार Oh shit!
अबे स्वीट का है बे? पापा जी मुबारक हो, डब्लू मिल गया। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। अरे छिछोरे गांव वालों, ऐसे धूप में खड़ोगे दिमाग लगाओगे तो दिमाग की दही हो जाएगी। मैं तुम्हारे गांव में वापस से पैसे की बाढ़ ला सकता हूँ, दौलत का दरिया बहा सकता हूँ, अगर तुम लोग लत्तम जुत्तम ना करो तो। एक आइडिया दूं? देना बीची। वेरी गुड। लक्ष्मी के बारे में लक्ष्मी के पति को मालूम है कि वो जिंदा है, लक्ष्मी के लवर को मालूम है वो जिंदा है, उसकी सौतन को मालूम है वो जिंदा है, मुझे मालूम है वो जिंदा है, लेकिन सरकार को? मेरी प्यारी बहनों और उनके भाइयों, वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। क्यों आई बे? वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ, मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा। कोई बाबे कुछ समझ नहीं आया। माँ एक दिन समझा दूंगा, ध्यान दे उधर। बहुत बुरा हुआ हमारे लकी सिंह के साथ, बेचारा भरी जवानी में ही रंडवा हो गया। अब हम क्या कहें लक्ष्मी जी के बारे में? ये तो पगल है। लक्ष्मी जी एक अच्छा सेक्स थी। मैडम मैडम, सेक्स नहीं शख्स। पता है पता है। लक्ष्मी जी सच में एक अच्छा सेक्स थी जिसका कोई जवाब नहीं था। इस पिंड में जिस जिसने भी उनके साथ संबंध रखे, उन सबका यही कहना है कि लक्ष्मी जैसा सेक्स और कोई नहीं। बोलनी है तू? अब हम क्या कहें उनके बारे में? सच में लक्ष्मी जैसा सेक्स ना देखा है और ना ही देखेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा सेक्स बनने की। ताकि आप लोग हमें आजमा सके और कह सके कि मेरे जैसा सेक्स और कोई नहीं। हमारे सरकार में भी बहुत अच्छे अच्छे सेक्स हैं, जिनके कारनामों से हमारे सरकार की सेक्सियत बढ़ी है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक अच्छा सेक्स बने, ताकि आपके आसपास वाले भी अच्छे सेक्स बन सके। कहाँ से ले आए इसको? लगता है इसकी उर्दू कमजोर। क्या हुआ लकी, रंडवा हुआ तो वो भी एक अच्छा सेक्स है। इसीलिए हमारी सरकार की तरफ से और अपोजिशन पार्टी की तरफ से मैं इस अच्छे सेक्स को 1 करोड़ का चेक अर्पित करना चाहती हूँ। खड़े मत लगियो, माँ समझ के पैर छू। जीते रहो। तुम एक अच्छा सेक्स हो और उम्मीद करती हूँ कि तुम एक अच्छा सेक्स बने रहोगे।